बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के लिए बीता साल 2022 काफ़ी यादगार रहा है। जहां उन्होंने एक्टर रणबीर कपूर को अपना लाइफ पार्टनर चुना तो वहीं बेटी राहा के जन्म से उनकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। हालांकि आलिया के लिए प्रेगनेंसी का सफ़र हर आम महिला की तरह रही है, जिसका उन्होंने कभी किसी से जिक्र नहीं किया है और ना ही इसका असर अपने काम पर होने दिया है। हालांकि अब आलिया ने एक इंटरव्यू में अपनी प्रेगनेंसी के सफ़र को शेयर किया है, जिसे जानकर फैंस हैरान है। आलिया भट्ट ने बॉम्बे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में प्रेगनेंसी सफ़र का जिक्र करते हुए कहा, मैं खुद को सीमित रखने में विश्वास नहीं रखती जब तक कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम ना हो। मैं प्रेग्नेंट थी इसलिए हाँ कई सीमाएं थी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कुछ पहले से पता नहीं होता है, इसलिए मैंने तय किया कि मैं हर दिन को उसी रूप से लूँगी जैसे कि कुछ होगा और अपनी बॉडी का ध्यान रखूँगी। बेशक काम ज़रूरी है, लेकिन उस समय मेरा बच्चा और मेरी हेल्थ मेरी प्राथमिकता थी। आगे आलिया कहती है, शुरू से ही मैंने खुद को कहा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो काम करूँगी, लेकिन भगवान का शुक्र है कि मेरी प्रेगनेंसी ने मुझे फिजिकली पीछे नहीं रखा। हाँ, पहले कुछ हफ्ते थोड़ी मुश्किल हुई क्योंकि मुझे काफ़ी थकान और जी मिचल रहा था, पर उस समय मैंने इसके बारे में बात नहीं की क्योंकि आपको पहले 12 हफ्तों तक कुछ भी नहीं कहना चाहिए, है ना, हर कोई यही कहता है, इसलिए मुझे वो जानकारी अपने तक ही रखनी थी। लेकिन मैं अपनी बॉडी का पूरा ध्यान रख रही थी और अगर मुझे शूटिंग के बीच आराम करने की ज़रूरत होती तो मैं अपनी वैन में सो जाती थी। मैं जितना संभव हो उतना आराम करने की कोशिश करती थी, लेकिन काम को तो पूरा करना ही पड़ता है। आलिया ने आगे कहा, हार्ट ऑफ स्टोन मेरी पहली हॉलीवुड फिल्म है जिसे मैंने जनवरी 2022 में साइन किया था। मैंने उस शेड्यूल पर काम करने की बहुत कोशिश की क्योंकि मैं इससे पीछे नहीं हटना चाहती थी, इसलिए मैंने टीम से बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरी अच्छी देखभाल करेंगे और ये बहुत अच्छा था। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब अपनी पहली एक्शन फिल्म की शूटिंग की। ये मेरे लिए एक ऐसी कहानी है जिसे मैं सालों तक बताऊंगी, क्योंकि ये आपको ये एहसास दिलाती है कि अगर आप कोई फैसला कर लेते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। फिलहाल आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।